गए थे लेकिन सऊदी का वीजा नहीं लगा। ये पहले तो रमजान मुबारक सबको। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। तो गाइस सऊदी जा रहा हूँ फाइनली। अभी जैसे कि बताया मैंने पिछले व्लॉग्स में भी, मैं सऊदी जा रहा हूँ। तो लेट्स सी, अभी जा रहा हूँ ऑन द वे। मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ एक, क्योंकि मुझे जर्मनी के वीजा मिल गया। तो जर्मनी के वीजा से आप जा सकते हो इजीली, उधर ऑन अराइवल वीजा मिल जाता है। तो वही मिलता है कि नहीं वही जाके देखूंगा, और अगर मिल जाए तो थोड़ा दम्माम से घूम के आऊंगा, मैं और मेरा और एक दोस्त साइफुल, हम वो दोनों जा रहे हैं। उसके पास ऑलरेडी वीजा है, मल्टीपल वीजा है 1 ईयर का, तो मेरा नहीं है। अभी मैं जाके चेक करेंगे कि अगर मिल जाए तो हम जाएंगे, थोड़ा घूम के आएंगे, और कुछ दिन बाद रियाद भी जाएंगे मैच देखने अल नासर का। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी तो जा रहा हूँ फिलहाल साइफुल के पास, तो उधर से फिर जाएंगे बॉर्डर, फिर बॉर्डर में पूरा काम धाम होगा, सब कुछ जो भी होना है, अभी सब मिले या ना मिले सब उधर ही पता चलेगा। तो अच्छी, अभी जाते हैं जाके देखते हैं। यार दुआ करो यार मिल जाए, बहुत महीनों से इस होप में हूँ कि सऊदी जाऊँगा, थोड़ा घूमूंगा, फिर सऊदी के बाद शायद कुवैत भी जाऊँगा या नहीं वो पता नहीं, लेकिन पहले सऊदी का तो मिल जाए, फिर अच्छी क्या होगा। और आगे हम बस दोनों एक साथ हो गए, और इंश्योरेंस का भी देना होता है तो एक दिन 2 रुपये देंगे, फिर टोल फीस का 2.5 दिन रखे उन लोग। अभी जा रहे सामने, देखते हैं बॉर्डर पे मिलता है कि नहीं। गए थे लेकिन सऊदी का वीजा नहीं लगा। एक बार जाना पड़ता है यूरोप का, जो मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला था। बस दोनों गए थे, एक हरामी दोस्त था मेरा, उसने बोला था होगा, और रूल्स मैंने कुछ दिन पहले ही भरा था कि एक बार आपको जर्मनी जाना पड़ेगा फिर ही आपको इधर का एंट्री मिलेगा, जो इन लोगों ने बताया इधर जाके। तो वो पोस्ट वाला पहले 1 हफ्ता गया था, लेकिन नहीं, वो जो मुर्शिद है जर्मनी में, थोड़ा गाली वाली दे देना दूसरे टाइम अगर मिल जाए तो, सोनार लोग को देखने का मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। सू ये सू से ही काम चलना पड़ेगा। भाई बहुत ही मेरा मन से था कि सोती जाऊँ, मज़े करूँ, लेकिन ब्रो नहीं हुआ लास्ट तक, क्या ही कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट डे हो गया, अभी जा रहा हूँ एक मैच देखने के लिए। एक बड़ा भाई है, उन लोग फाइनल्स में पहुँच के मैच पर जा रहा हूँ, और देखता हूँ रात को हमारा भी मैच है। हाँ तो रात को हमारा भी मैच है, वो भी खेलेंगे। पूरा बैग में सामान वामान ले लिया, जर्सी एंड ऑल, सो लेट्स सी क्या होता है। अभी जाते हैं गाड़ी पे। एक जो सपना था जाके रोनाल्डो को देखने का, वो तो पूरा नहीं हुआ भाई, इतना वो दर्द हो रहा। अभी थोड़ा चेक करो, 1-2 दिन में अगर वीज़ा लगा पाऊँ 50-60 दिन में, नॉर्मल वे में जैसे होता है, अगर वो हो जाए तो एक बार तो लाजमी जाऊँगा, ट्राई करूँगा। तो खत्म हो गया गाइस वो मैच। अभी हमारे खुद के मैच के लिए आए, शू वो पहन के अभी चेंज करके खेलने के, सेम बुक हुआ मैच होगा। अभी रॉन्ग साइड तक करब जेटा आनते আবার কষ্ট হয়ে যায়, ওর বাকি সব পারফেক্ট, খালি এই জিনিসটা ভুল। गाइस मैच बहुत ही मस्त मैच था, अमेजिंग। अभी घर पे जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। ये पहले तो रमजान मुबारक सबको। ये 2-3 दिन बाद मैं शूट कर रहा हूँ, मतलब कंटिन्यू कर रहा हूँ व्लॉग। तो सबको तो पहली बात रमजान मुबारक। सऊदी तो मैं नहीं जा पाया, तो अभी ये तीसरा रमजान है, थर्ड रोज़ा है हमारा। तो अभी जा रहा हूँ, सब लोग बाहर जा रहे हैं, सब फैमिली मिलके, तो कहीं खाएंगे घूमेंगे, क्योंकि गाड़ी भी सेल के लिए लगा रहे हैं, बहुत लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, आएंगे देखेंगे, एक दो देख के भी गए हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं, ये सेल हो जाएगा कुछ ही दिनों में मोस्टली। आज भी किसी ने बोला था देखने के लिए, मैंने बोला आज थोड़ा बिजी हो, कल आ जाना। सो लेट्स सी, हो जाता तो अच्छा है। तो अभी जाएंगे, सभी बाहर जाके खाएंगे, कुछ ही दिन बाकी है, 15-20 दिन ज्यादा से ज्यादा बाकी है, फिर विल बी गोइंग टू जर्मनी सून। एंड गाइस अभी मैं बंगला में भी अपना व्लॉग स्टार्ट करने वाला हूँ, बंगला में भी मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करने वाला हूँ। सो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर देना, कुछ ही दिनों में मैं बंगला में छोड़ूंगा व्लॉग। तो सू जो बंगला में देखना चाहते प्लीज वॉच, क्योंकि मैं बांग्लादेश से हूँ, सो लाजिम मुझे बंगला में ब्लॉग बनाना है, जर्मनी में जाऊंगा। सो ये भी कंटिन्यू रहेगा, ये कंटिन्यू रहता रहेगा, करता रहूंगा, और उसमें भी मैं कंटिन्यू करूंगा वो फेसबुक और यूट्यूब दोनों में, नया चैनल होगा एक यूट्यूब का, तो उसमें भी स्टार्ट कर दूंगा। तो सू कुछ दिन में आ जाएगा, 3-4 दिनों में आ जाएगा, इधर भी शेयर कर दूंगा मैं।
हमारा रिश्ता डन हो गया। डन होने के बाद छोटे भाइयों को लेके थोड़ा इधर खेलने मेले की जगह पे लेके आ गए। इधर बहुत से गेम्स है और फिजिकल गेम भी है और वो गेम भी है, ये दोनों इधर ही है। इधर VAR का कुछ है, बहुत मस्त है। एक बार मैं भी बैठा था इधर। और ये लेगो ट्रे इधर बार का कुछ है, तो कैसा एक बार बहुत स्पेशल। वो जो VR जो फीलिंग है ना वो सेम है अंदर कुछ। इनके भी मज़े है भाई। मैं भी जब बचपन में था मेरे को सिर्फ दो दिनार मिलते थे, जो एक या दो दिन राइड पे चल पाता था। अभी इन लोगों का देखो, मेरे जैसा भाई है तुम्हारे, एक एक दिनार के सिर्फ एक एक, ये देखो बाहर में जो बैठे हैं ना, 1% के एक दिनार। देखो मेरे जैसा भाई होना चाहिए बस। ये देखो कुछ तो हो रहा है, सीट्स वीट सिल रहा था और फिर सिल रहा है। मस्त इसका, मैंने भी ट्राई किया था अभी, बहुत ही मस्त है। इन लोगों को भी ख़त्म होने वाला है अभी, 8 मिनट हो गया है ख़त्म। एग्जिटिंग बार अभी दिखाता हूँ, बाहर का दिखाता हूँ। इधर मैंने भी अपना पूरा बचपन इधर आगे गैलेक्सी किंगडम मनामा पे है बहराइन का, तो बस ये शायद मेरा लास्ट टाइम ही आना होगा बहराइन से इधर इधर तक। अभी बस लास्ट बार का दिखा देता हूँ फिर ख़त्म। इधर के राइड्स है वैसे तो बहुत सारे राइड्स है, मैं भी बचपन में बहुत खेला हूँ इधर। पूरा दिन ख़त्म है। और ये एक पिल्लो भी लेके आ गया मार्केट से यार, सर दुख रहा था। हम बाकी जो पिल्लो था वो थोड़ा स्लिम हो गया, तो ये नया एक पिल्लो लेके आ गया। तो और कल मेरे अबू भी आने वाले हैं, कल मतलब कुछ ही घंटों बाद सुबह आने वाले हैं। अभी तो रात के 11:30 बज गए, सुबह 9 बजे लैंड कर जाएंगे। बांग्लादेश से आ रहे हैं, कुछ दिन पहले भी आया था, एक हफ्ता रुक के फिर चला गया था, 1 महीने पहले ही आया था। तो अभी घर पे आ गया, इधर ही व्लॉग एंड कर रहा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो।